कि टीचर अगर लगाने हैं तो लेट एक स्थायी नौकरी हमारे नौजवान को मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, फिर यही बच्चे आने वाले समय में धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि स्थायी पॉलिसी तो है नहीं, फिर पॉलिसी तो इसमें है ही कुछ नहीं, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित है। एक महीना बीत गया, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 13 महीने बीत गए, और सही मायने में हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार का ये जो कार्यकाल बीता है, इतना निराशाजनक आज तक कोई कार्यकाल नहीं है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि जो खास तौर से अभी जो एक नई एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं गेस्ट टीचर के में, नाम तो ये दिया है, और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल विशुद्ध वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दरवाजे से भर्तियाँ इनके अपने लोगों की हो सके, जिस प्रकार से इनने पहले भी किए हैं, एक नहीं अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट में इस प्रकार से भर्तियों के काम किए हैं गलत तरीके से। मेरा उसमें कहना ये है कि टीचर अगर लगाने हैं तो रेगुलर लगाइए, एक स्थायी नौकरी हमारे नौजवान को मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, फिर यही बच्चे आने वाले समय में धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि स्थायी पॉलिसी तो है नहीं, क्योंकि पॉलिसी तो इसमें है ही कुछ नहीं, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित है। थैंक यू।